Yo, what's happening guys? My name is Loggy और guys आज हम फिर से अपनी दुबई वाली सिटी में और guys आप मान भी नहीं सकते कि चीफ ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले कौन सी बात बताई है। तो guys उसने मुझे बोला था कि जब उसने अपने केव वाले माइनर वाले बंदे को केव के अंदर भेजा था रेडस्टोन माइन करने के लिए, तो उसने रिपोर्ट भेजी है कि हमारी सिटी के अंदर से रेडस्टोन सारा गायब हो चुका है। तो मैं यही सोच रहा था कि सारा रेडस्टोन कैसे गायब हो सकता है, क्योंकि guys हमारी सिटी में तो सबसे कम से कम रेडस्टोन यूज होता है। तो एक मेरे को यहाँ पर रखना है और एक यहाँ पर। चपाती भाई क्या कर रहे हैं भाई, काम कर दो, मैं पीछे से आता हूँ। यार ये वाला मशीन कैसे काम नहीं कर रहा भाई, कैसे हो सकता है यार। यहाँ पर भाई दरवाजे के ऊपर नॉक करो, एक काम कर दरवाजा ही तोड़ देते हैं। हेलो कैसे हो भाई, क्या कर रहे हो? मेरे को दिमाग रख। अरे यहाँ पर इसके ऊपर पैर मत रखिए, फट जाएगी मशीन, बहुत ताकतवर मशीन है ये। गाइस ये रहा सारा दुबई सिटी का रेडस्टोन चपाती भाई के पास है। ये सारा रेडस्टोन क्या भाई, मैंने सिर्फ थोड़ा सा तो लिया है। क्या ये थोड़ा सा क्या, मुझे पता है 64 स्टैक तो आपकी इन्वेंटरी में पड़ा होगा। अभी तेरे को बताता हूँ, मैं कुछ ज्यादा चुनकांडी गिरी कर रहा था। चीफ ने मुझे बोला था की उसके आदमी जब रेडस्टोन माइनिंग करने गए थे तो उनको नहीं मिला, तो मुझे लगता है सारा रेडस्टोन आपने माइन कर लिया। अभी देख लियो, मैं तेरे को बताता हूँ, इसका बदला मैं तेरे जरूर लूंगा। तो अगर मैं ये लिवर यहाँ पर रखूँ तो भाई ये कर क्या रहे हो वैसे? और इसके बाद तू चुप कर, अभी तेरे को देखियो। और अरे इसके बाद अगर मैं लिवर साथ में यहाँ पर रखूँ तो मुझे लगता है भाई एक काम करता गाइस, मैं अपने घर के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पर चला जाता हूँ और अपनी सारी चीजें गाइस इस चेस्ट के अंदर मैं रख लेता हूँ, क्योंकि गाइस मुझे लगता है चपाती भाई यहाँ पर कोई ऐसी मशीन बनाएंगे जिससे पूरी दुबई सिटी यहाँ पर फट जाए। और अभी मुझे लीवर प्रेस करते ही लॉगी एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। भाई, भाई क्या करने वाले हो आप? खुद कर ये लीवर तो खुद प्रेस कर, लेट्स गो। अच्छा मैं दबाता हूं या तो 3 2 1 और दबाओ। ओ ओ भाई यो ये क्या हुआ भाई, हेलो ये हुआ क्या यहाँ पर? कुछ तो हुआ ही। अरे हुआ क्या पहले मुझे ये अपने हार्ट से तेरी भाई, ये मेरा सिर्फ 1 हार्ट कैसे आ गया? ये क्या है भाई, ये कौन सा फंडा है? इसे कहते हैं संडे का फंडा भाई, मेरे तू गया भाई। ये क्या भाई, ये कौन सी एक भाई, अगर मैं फिर से लीवर खींचू तो ये चेंज हो जाएगा क्या? तुझे मेरे लिए काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, वो लीवर मेरी फिंगरप्रिंट से चलता है बेटे, बात मत कर मुझसे, टेक्नोलॉजी को ताकि पहुंच चुकी है। समझ गया भाई, तो ये आपने 1 हार्ट मेरी कैसे कर दी, इसको चेंज कर दो। वो सीधा मेरी आईफोन 12 प्रो मैक्स अल्ट्रा डेल्टा से कनेक्टेड है। रहने दो भाई, ये कौन सा बेकार वाला फ्लैक्स मार रहे हो भाई। ओके अभी तेरे को मेरे लिए काम करना पड़ेगा, तभी तेरे हार्ट वापस आएंगे। सबसे पहले तू मेरे लिए स्टोन लेके आ, चल स्टोन। अच्छा मैं जाता हूँ, मैं स्टोन लेकर आता हूँ ना। तो यार ये चपाती भाई तो गाइस अभी मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि गाइस मैं 1 हार्ट के ऊपर आ चुका हूँ। तो एक काम करता हूँ गाइस, अपने चेस्ट के अंदर से मैं ऑगी की पिकैक्स ले लेता हूँ और अभी मुझे जाकर थोड़ा सा स्टोन ढूंढना है। ऑगी की पिकैक्स के बगैर तो इससे कख भी नहीं होता ना। मैं गोबर करने भी जाएगा तो मैं ऑगी की पिकैक्स में हील जाऊं, फिर मैं मक्खी मारने भी जाएगा तो ऑगी की पिकैक्स में हील जाऊं। भाई मैं आपके, देखो भाई मैं आपके लिए स्टोन लेकर आ रहा हूँ भाई, इसके ऊपर एफिशिएंसी 1000 लग गया 2 सेकंड में। भाई 2 सेकंड में मैं पूरा केव यहाँ पर माइन कर लूंगा। चेरी मैं डर गया, तो यहाँ पर एक केव तो था, तो कहाँ पर ये रहा। और गाइस मुझे यहाँ पर ध्यान से जाना पड़ेगा, क्योंकि गाइस अगर मैंने गलती से भी 4 डैमेज ले लिया तो मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। तो तेरी चटनी पक्की है। अच्छा अच्छा चलो भाई मैं आपके लिए स्टोन लेकर आता हूँ, पीछे खड़े रहो ठीक है। चल भाई जल्दी कर काम कर, स्टोन निकाल के दे मेरे को, दिमाग खराब मत कर। हाँ मैं तोड़ रहा हूँ भाई। तो यार ये चपाती भाई तो मुझे सही ट्रोल यहाँ पर कर रहे हैं, नजारे ले रहा है यहाँ पर, नजारे। मैं जरा चाय लेके आता हूँ यहाँ पर बैठ के, चाय लेकर ले जाओ भाई, आपका स्टोन भी ले जाओ साथ में और लेके आ। चल बहुत सारा मेरे को चाहिए यार। और आज की लाइफ तो माइनक्राफ्ट के अंदर एकदम मस्त हो चुकी है। चपाती भाई तो गाइस यहाँ पर मुझे सही ट्रोल कर रहे हैं, काम करता हूँ कितना मस्त लग रहा है भाई। अच्छा एक काम कर दो यार, ये सामने तो मुझे कुछ अजीब सा दिख रहा है भाई। तो चपाती भाई का अभी फिलहाल ध्यान उस तरफ है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से बुशेस के अंदर जाके देख लेता हूं। तो ओह माय गॉड गाइस, तो यहाँ पर ये देखो भाई, यहाँ पर किसी ने यहाँ पर ग्रास के ब्लॉक्स रखे हैं और उसके ऊपर टॉल ग्रास उगाई है ताकि ये यहाँ पर ये सीक्रेट बंकर छुप जाए। तो यहाँ पर गाइस एक सीक्रेट सा रूम बना हुआ है। ओ डंकर बंदे मेरे काम की आवाज नहीं आ रही, कहाँ पर है तू? अरे चपाती भाई घास के अंदर क्या छुपा है? अरे ये देखो भाई यहाँ पर कुछ सीक्रेट सा बंकर बना हुआ है। ये तो तेरी खोपड़ी मेरे को लग रही है, वो देख ले ये वाली वेदर स्केलेटन है भाई। वो तो मेरे को पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पर भाई इनको। एक काम करते भाई इनको नहीं तोड़ते हैं, पता नहीं भाई ये वेदर स्केलेटन से क्या होता होगा। जाके देखिए नीचे क्या है, क्या अंडे फेंक रहे हो भाई? आजो भाई नीचे चल के देखते हैं, ये वेदर स्केलेटन बीच में आ गया। एक मिनट इसको हटा, क्या कर रहा है? तोड़ देते हैं भाई इसको, आ जाओ। आराम आराम से नीचे जाना है, सीढ़ी तो बहुत लंबी वाली लगा कर रखी है भाई। नीचे है क्या? ओ भाई यहाँ पर तो बहुत सारे आइटम फ्रेम्स पड़े हुए हैं। ये लिखा क्राफ्ट इन ऑर्डर, क्या लिखा भाई? क्राफ्ट इन ऑर्डर और क्राफ्ट इन ऑर्डर, इसका मतलब क्या है? आई थिंक लॉगी हर एक दीवार के ऊपर एक रेसिपी लगी हुई है और हमें ये रेसिपी ऑर्डर से क्राफ्ट करनी है। अच्छा, लेकिन तो मुझे लगता है पहले हमें यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। वो इन तुम्हें प्रॉब्लम है कि मेरे को ये बता कि ऑर्डर शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है कि यहाँ से शुरू हो रहा है? आई थिंक इस साइड से शुरू होगा। मेरे को बहुत पता है ना भाई, कभी स्कूल गया है क्या? ऑर्डर तेरे को यहाँ से शुरू, तेरे को ऑर्डर दूं मैं? चल भाई भाई अब पीछे देख रहा ना भाई, उसकी रेसिपी कितनी ओपी आइटम्स है, तो आई थिंक वो लास्ट में आएगी। चल शुरू हो जा लोगे, क्राफ्ट कर दे, देख सबसे पहले क्या आता है चेस्ट के अंदर। क्या अच्छा चेस्ट के अंदर सारी रेसिपीज पड़ी हुई है ना, इसमें ये ब्लास्ट ना कर दियो मामा। भाई
अभी मैं यहाँ पर रेसिपी क्राफ्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आती है 3 सैंड, लेकिन मुझे सिर्फ 2 देकर रखे हैं, तो यहीं से उठा लेते हैं। क्या बात है, चोरी ओपी। यहाँ पर रखो 3 सैंड, उसके ऊपर 1 ग्लास, फिर ऐसे पॉपी पॉपी और पॉपी। और ये क्या है भाई, ये क्या देख रहे हैं तेरे को? हार्ट देख कर रखे। वो भाई मेरी 1 हार्ट डबल हो गई, वो देखो भाई। तो सुपरमैन का हार्ट तेरे पास कैसे आ सकता है भाई? मुझे साथ में मिला सुपरमैन लेजर पिकैक्स। इससे क्या होता है? मुझे लगता है ये सुपरमैन की पिकैक्स कुछ ज्यादा ही खतरनाक होगी, तो यहाँ पे टेस्ट नहीं करते हैं भाई। मैं यहाँ पर टेस्ट नहीं करूंगा, मैं बाहर जाकर टेस्ट करूंगा। आ जाओ, मार दे वहाँ पर लॉगी। ओके रेडी हो ना भाई, मैं पानी की तरफ मारूंगा और लेट्स गो। वो भाई ये लो भाई, आपको स्टोन चाहिए था ना, ये लो। होली क्रैप भाई, कितना सारा स्टोन तूने एक ही बार में माइन कर लिया। एक मिनट भाई, एक मिनट पीछे हो जाओ भाई, मैं फिर से यहाँ से मारता हूँ। एक्सपी मिल रहा है भाई, क्या लैग हुई लेकिन भाई, कितना सारा स्टोन यहाँ पर टूट रहा है। मैं तो एक्सपी ले रहा हूँ, छोड़ स्टोन को भाई, एक्सपी ले भाई। अबे पूरा बेडरॉक तक जा रहा है यार, ये तो खतरनाक वाला है यार भाई। क्या ये बेडरॉक तोड़ पाएगा क्या? आ जाओ देखते हैं। बेडरॉक तक गाइस हम ये पिकैक्स मारेंगे और आज देखते हैं कि ये सुपरमैन की पिकैक्स क्या बेडरॉक को तोड़ सकती है कि नहीं। जा रहा नीचे, जा रहा है तू? हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ भाई। और ये क्या था भाई? अरे यहाँ पर माइनशाफ्ट बनी हुई है, हमें कभी पता भी नहीं था। मेरा एक्सपी देख कितना ज्यादा हो चुका है भाई, ये देखो एक्सपी पड़ा हुआ यहाँ पर, ले ले ले। चलो भाई, तो ये ऑब्वियसली गाइस ये सारा एक्सपी आ रहा है कोल से और आगे भी पड़ा हुआ। व्हाट भाई, सामने वॉइड है भाई, भाई उसने बेडरॉक तक तोड़ दिया, वो देख। यो तो अगर मैं यहाँ पे मारूं तो मैं बेडरॉक भी उठा सकता हूं। मैं बेडरॉक नहीं उठा सकता, ये पिकैक्स बहुत खतरनाक हो सकती है। निकलो यहाँ से भाई, मैं निकल रहा हूँ। तो पहला हार्ट है हमारे पास सुपरमैन का हार्ट, और उससे मिलती है हमें सुपरमैन की पिकैक्स। हाँ भाई, क्या बात है। अभी निकालते हैं नेक्स्ट वाली चीजें। तो नेक्स्ट वाला बनता है भाई इंक सैक्स और कोल से। मेरे को तो लग रहा है गाइस कि ये एवेंजर का पर्सनल अड्डा होगा यहाँ पर। अरे भाई एवेंजर्स का अड्डा नहीं है, तो यहाँ से भी ये उठाओ और यहाँ पर ग्रास रखो। और अभी मेरे पास कौन सा आया भाई? तेरे पास कौन सा हार्ट आया? मेरे को समझ नहीं आ रही। वेनम हार्ट है, नहीं आऊंगा। तो ऑब्वियसली गाइस जो वेनम की पावर है, वो ऐसे मॉब्स के ऊपर काम करेगी। तो मुझे लगता है इस पावर को यूज करने के लिए हमें चाहिए होगी यहाँ पर मॉब। वो देख ले पूरे झुंड में आ रहे हैं, वो देख भाई, इनको पहले ही पता लग चुका कि यहाँ पर कुछ अनोनी दिखा दिया। ये क्या लिखा है? टेम्ड हो गया भाई, मैंने इसको टेम कर लिया। क्या तो मतलब पीछे से तो मैंने सब भाई, मैंने क्रीपर्स को टेम कर दिया। मतलब एक ही है। तो भाई ये तो भाई मेरे लिए लड़ेंगे क्या भाई? वो रहा भाई चबाती भाई, पकड़ उसको भाई, पकड़ो। वो भाई तेरी मेरे पीछे फट गया। अरे भाई वो पीछे से, भाई वो पीछे से जो मैंने टेम नहीं किया था वो वाला आ गया। मतलब कि इनका सबका टेम खराब होने वाला। अब तो अब ये गए भाई, पिक के ऊपर काम करेगा क्या? अच्छा पिक के ऊपर काम नहीं करता है, तो मुझे लगता है गाइस ये सिर्फ मॉब्स के ऊपर काम करेगा। मॉब के पास जाऊं तो वो मॉब मेरे को मारेंगे कि नहीं मारेंगे? देखो देखो, हेलो क्रीपर, तेरी आग के ऊपर क्यों नहीं आते? आग के ऊपर तेरी भाई, इनका आर्मी फोर्स को मार दिया, इनका पूरा टेम खराब हो चुका है। लेट्स गो, चल भाई चीटिंग कर रहे हो भाई। और आजा भाई अभी नेक्स्ट पावर देखते हैं। यहाँ से ये उठाओ, ये उठाओ भाई। तो यहाँ पर अभी आयरन सोर्ड और फ्लिंट की बारी आ चुकी है। तो ओके आप मुझे सिर्फ पीछे से रेसिपी बताते जाओ, ठीक है? तो मुझे लगता है कुछ ऐसा था, तो यहाँ पे जाएगा ग्लास। खा लिया, मैं क्या रेसिपी बताऊं भाई? ऐसे और तेरी भाई, मैंने एक फ्लिंट एक्स्ट्रा रख दिया। तो ओ वुल्वरीन क्लोज, तो अभी मेरे पास वुल्वरीन हार्ट आ चुका है। नाखून काट के आया करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? रेडी होना, मारू मारू भाई मारू। पास बताइयो, मैं बता रहा हूं, पास बताइयो भाई, मैं काट लेता हूं आजकल। ये लो भाई, एक काम करता भाई, पावर यहाँ पे टेस्ट नहीं करते, नहीं तो भाई ये कहीं ये पूरी जगह ना फूट जाए। काम करो आप, अंडे मारो भाई, यहाँ पर तो चिकन स्पोन हो जाएगा फिर। अबे मेरे मुंह के ऊपर नहीं मार रहा, एक चिकन आ गया, आ गया भाई। तो चिकन कैसे हो भाई? वो पहले ही भाग रहा है, उसको पता है यहाँ पर क्या आने वाला। तो ये पट से शॉट, वन टैप हिट है भाई, ये तो पंजा मार दिया भाई। मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो ये देखो भाई, मैं तो वैम्पायर बन गया। मैं चीख को बुला के लेके आता हूं, डॉक्टर भाई मारो मारो भाई, एक और मारो, निकलो निकलो। अबे बंदा पागल हो चुका भाई, मैं डॉक्टर को लेके आता हूं भाई, ये सबको मार देगा। दो ऐसे भाई, मैं किसी को नहीं मारना है। रात भी हो चुकी है, उसको मतलब ये गाइस की रात को ये बंदा ये नाखून निकाल लेता है। मैं निकल रहा हूं, मैं गया भाई, मार गया भाई। और स्केली कैसे हो आज? तो भाई मैं स्केली को धो डालूंगा। तो स्केली कैसे हो भाई? तीनों की तीनों मुझे मार रहे हैं, तो तू भी ले भाई। मैंने उसको टेम भी कर दिया और साथ में उसको मार भी रहा हूं। ये ले भाई, वो तेरी पीछे से आ गया और मेरे पास सिर्फ 1 हार्ट बाकी है। तो चलिए गाइस, आई थिंक अब इस वीडियो में इतना ही काफी है। और गाइस नेक्स्ट एपिसोड में हम बाकी के हार्ट्स टेस्ट करेंगे। और अगर गाइस आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो गिव मी 200,000 लाइक्स और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।